तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसीहा या हीरो कह लो उसके बारे में जो कि कभी फर्स्ट प्लेस पे सुपर हीरो बनने नहीं चाहता था, बट एक आकाशवाणी उसकी जिंदगी में आती है। नॉट लड़की, आकाशवाणी मतलब आसमान की आवाज, और वो उसको हीरो बना देती है। कैसे? तो आज उसी के बारे में बात करेंगे इन अवर मूवी रिव्यू ऑफ महावीर। तो मूवी एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट के ऊपर के वो अपना गुजर बसर कर रहा है अपनी कॉमिक बना के, वो भी किसी को पायरेटेड सेल करके जो कि न्यूज़पेपर में क्रेडिट खुद के लिए लेता है उसको हटा के। तो हाँ, एक ऐसे बंदे की जो रहता है झोपड़पट्टी में और उसको ऑफर आता है कि तुम यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, तुम्हें एक अपार्टमेंट मिल जाएगा, बट तुम्हें साइन करना पड़ेगा और ये ज़मीन खाली करनी पड़ेगी क्योंकि ये गवर्नमेंट के रेंट हो जाएगा उसके बाद। और फिर जब वो मुश्किल से मान जाता है तो तब समझ आता है कि चीज़ें किसी भी मूवी में कैसे दिखानी चाहिए, कि वो फील जो होती है ना, एक छोटा सीन जैसे वो शिफ्ट कर रहे होते हैं, वैसे तो उसकी माँ मान नहीं रही होती है शिफ्ट करने के लिए, अपने घर को नहीं छोड़ना चाहती है वो क्योंकि उसके पापा ने बहुत लड़ाई करी उस घर के लिए, बट जब वो मनाता है और जब वो छोड़ के जा रहे होते हैं उस घर को, तो वो जो एक सैड फेस है ना उसकी माँ का उस फ्रेम में बहुत मुश्किल से देखोगे तुम्हें लगेगा कि ये है भाई, ये कनेक्ट है जो फील करा जाता है मूवी को शुरुआत से ही, कि हाँ ऑडियंस को समझ आ जाएगी किसके लिए बनी है मूवी। हर मूवी ऐसी नहीं होती है, हर मूवी में चीज़ें ऐसी नहीं खेली जाती हैं। ठीक है, मैं शुरुआत से ही तारीफ कर रहा हूँ, बट मेरे को जो चीज़ें मैंने देखी वो अच्छी लगी, इट सिंपल लाइक है। तो जो हमारे लीड में उनका नाम है शिव कार्तिकन, और वो एक नोबल आदमी बनना चाहता है, वो बंदा वो जीना चाहता है एक हैप्पी लाइफ फैमिली के साथ क्योंकि ऑब्वियसली उसके पापा नहीं, तो वो अपनी बहन और माँ को सेफ रख के आराम से जिंदगी जीना चाहता है किसी भी फालतू की लड़ाई के। इतनी बहस के बाद जब उसके घर में घुस के कोई उसकी माँ पे हाथ उठा देता है तो उसके बाद वो उसको मारने की जगह उससे डर के वापस आ जाता है, तो उसकी माँ कहती है कि काश इससे अच्छा ये मर ही जाता, और वो जब छत पे जाता है वो ही करने से तो वो भी नहीं कर पाता डर की वजह से, बट इतनी खराब क्वालिटी की दीवार थी कि वो ढह जाता है, वहाँ से गिर जाता है। और फिर जो ट्रांजिशन है कायर से महावीर बनने का, भाई लिटरली वो तुम्हारे चेहरे पे मुंह में स्माइल ला देगा, और वो मेरे चेहरे पे विजिबल थी उस टाइम कि ये होता है हीरो। जो ट्रांजिशन फेज है वहाँ मजा आना चाहिए भाई, इंसान को लगना चाहिए कि हाँ कुछ अलग हुआ है। वो इतना सिंपल है, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत तगड़ा हीरो कॉस्ट्यूम पहन रहा हो या कोई एनर्जी स्ट्रक करेगी उसमें, ना नॉर्मल नीचे गिरा ठक 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 एक तरीके से डेड हो गया। उसके बाद एक पन्ना आता है उसी की कॉमिक बुक का और उसकी इंक उसके कान में चुभ जाती है, जस्ट सिंपल लाइक दैट। और उसके बाद जो चीज़ चालू होती हैं वो है मजा, वो है लिटरली सिनेमा वाली चीज़ कि तुम कुछ भी सोचो अगर तुम्हारे बस की है प्रूव कर दो, बस सिनेमा इज दैट सिंपल फॉर यू मी एंड एनीवन हु आर वाचिंग फ्रॉम अस। और इस चीज़ को देख के तुम्हें समझ आएगा, इसे कहते हैं कि आफ्ता में अवसर निकालना, मतलब तुम मरने जा रहे हो तुमसे चट करके उठते हो और तुम और डॉक्टर भी समझ नहीं पाता ये हुआ क्या, पर फिर तुम्हें कॉन्सिस्टेंटली एक आवाज़ सुनाई देती है बट तुम्हें पता ही नहीं हो क्या है। तो हमारी जो हीरो की बीमारी है उसको कहते हैं ऑटरी हेलुसिनेशन, पर क्या वो उसको मानता है क्योंकि वो आवाज़ कुछ कहती है उससे, बट हाँ टेक्निकल नेम या मेडिकल फील्ड में नेम ये है, अगर किसी को है तो चेक योरसेल्फ, बड़ी जरूर नहीं है तुम भी महावीर बनो, महासुर बन गए तो इसलिए दिखा लेना। और मूवी का आइडिया जिस किसी ने भी सोचा हैट्स ऑफ टू यू, मतलब भाई तुम सोचो क्योंकि अगर तुम ये आइडिया किसी को भी बताओगे तो वो हंसेगा शुरुआत में, बट इसको पुल ऑफ करना इज अ नेक्स्ट लेवल थिंग, तुम समझोगे नहीं शायद से, बट मूवी देखोगे तुम समझ आएगा कि इस कॉन्सेप्ट को अगर तुम किसी के मुंह से सुन रहे हो तो वो तुम्हें पहले गाली देगा, बट तुमने प्रूव करके रख दिया कि बन सकता है कुछ भी जो तुम सोच रहे हो, दिमाग की उपज अच्छी होनी चाहिए बस। और मूवी है क्या, मूवी को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो ये मूवी है क्या, मूवी है अपने हीरो के बारे में जो अपनी सिचुएशन को लेकर अशेम्ड रहता है बट डेस्टिनी उसके लिए कुछ और ही चाहती है, उसको एक महावीर बनाना, तो कैसी वो जर्नी है ये उस पर बात करती है और क्या खूब बात करती है। और मूवी में दो बार स्विच आता है हीरो के अंदर, एक जब वो आकाशवाणी उसके कानों में गूंजना चालू करती है, जैसे कि जब मोड डाउन होता है तो ऐसे कहता है वो कायर अब वीर बन चुका है, और फिर वो जब बीच में वापस है वीर फिर से कायर बन चुका है, और फिर वो स्विच ऑफ वाला मोड चला जाता है हिट करता है ओके। तो मूवी ना तुम्हें अपने यूनिवर्स में खींच लेती है, जब ये चीज़ें चलती होती हैं तुम्हें फील होता है कि यार अब ये पिटेगा अब तो यार। और फिर जो मूवी में सीन दिखाया जाता है कि माँ के लिए घर जरूरी नहीं है, माँ के लिए तुम जरूरी हो, वो हिट करता है, अभी थोड़ा दिल भी भारी भारी चल रहा है तो ये ज़्यादा हिट करा मेरे को उस टाइम कि चल गई मम्मी थोड़ी खराब, तो मैं थोड़ा सैड रहता हूँ आजकल इसलिए।
और जो मूवी में हमारा कैरेक्टर है जिसको हम विलन रेफर करते हैं यमराज, उसका पी उसको 22 साल से संभाल रहा था क्योंकि उसके दोस्त जैसा था, और वो हमेशा उसको टोकता था, मारता भी था कभी कभार। तो तुम सोच सकते हो मंत्री का पी उसको मार रहा है गाड़ी में चाटे रखेंगे चंडीगढ़ जा रहा हूँ, बट जब वो अपना ईवल फेस ऊपर करता है और जब वो लास्ट में पीए को ही मार देता है, पीए जब पीए उसको शांत करना चाह रहा था, बचाना चाह रहा था उसको कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंस से जिसकी वजह से मंत्री या सीएम जो बनने की सोचता वो कभी बन नहीं पाता। तो फिर वो जो डायलॉग है कि मैं इसको 22 साल से सुन रहा था, 22 सालों से इसकी आवाज़ मेरे कान में गूंज रही थी, और फिर अपने हीरो का ट्रांसलेशन आता है कि वो तो 2 हफ्ते से सुन रहा है और उसकी भी आवाज़ गूंज ही जा रही है, बट अब चली गई टाटा बाय बाय हो गया। तो मूवी अपने सुपर हीरो और विलन को एक प्लेन पर खड़ा करने की कोशिश करती है कि देख रहे हो हैं तो दोनों ही ऑर्डिनरी हेलुसिनेशन के मरीज, बस एक का पी असली था। और जो महावीर का हीरोइक सेक्रीफाइस है वो ज़रूरी था, और वो जब वो करता है थोड़ा बहुत रोबोट वाली फील आती है एक शॉट में, बट जो सीक्वेंस है सोचो, एक बंदा जिसकी हमेशा लगी रहती है और वो डर में रहता है कि भाई कुछ हो जाएगा, भाई मैं नहीं जाऊँगा, बट जब वो जाता है और लड़के वापस आता है वो भूल जाता है हर उस बाउंड्री को जो वो सोचता था कि इसके बाद अंत, वो उस अंत की बाउंड्री को भी पार कर जाता है और उस रेखा के बाहर निकल जाता है एक बच्ची को बचाने के लिए, जहाँ वो खड़ा होकर एक सच्चा सुपर हीरो बन जाता है जिसका नाम महावीर। और मूवी जैसे ऐसे पावर्स दिखाई गई कि कैसे दिखाओगे तुम एक बंदे को जिसको कान में आवाज़ आ रही है, तो तुम कैसे दिखाओगे कि जब तुम बता नहीं रहे हो कि आवाज़ आ रही है, क्योंकि तुम हर शरीर में तो ये नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत क्रिंजी हो जाता है कि भाई ऑडियंस को कुछ पता नहीं है क्या तुम्हारे स्टेप बता रहे हो। तो क्या करते हैं वो हमें स्टेप्स दिखाते हैं कि ये बॉटन मैंने यहाँ रखा, ये फ़ोन मेरे हाथ में है मैंने इस हाथ में रख दिया, और फिर जब बंदा आ रहा है तो इस हाथ से मार रहा है, और फिर तीसरे में इस फोन से पेट में मार रहा है। तुम समझ रहे हो, मतलब उसके फर्स्ट स्टेप को लिंक कर देते हैं उसके थर्ड स्टेप से जो हो रहा होता है उस सिचुएशन में, जो कि इतना ब्यूटीफुल लगता है कि भाई डायरेक्टर सल्यूट है आपको, ये ऐसा मजा वापस चाहिए मेरे को, अगर महावीरन की कभी भी सेकंड पार्ट बने और कोई भी रोल मिले मुझे मजा आ जाएगा। हाँ मां में पैचवर कर भी बन जाऊँगा चिंता की बात नहीं, वो कॉमिक टाइमिंग बहुत तगड़ी चाहिए होती, बट नहीं मेरे को काम चाहिए महावीरन वाली मूवी में मिल जाए मजा आ जाए, उसको सेकेंड पार्ट में खुद निकाल लूँगा नहीं तो ठीक है। और जो लास्ट के 20 मिनट में हमें असली वीर दिखाया जाता है, उसकी वीरता का प्रमाण हमें मिलता है, जैसे उस आखिरी शॉट में वो अपने आप को कुर्बान करने को भी तैयार हो जाता है किसी की मदद के लिए, वो उसकी स्टोरी में सबसे ब्यूटीफुल आर्क में से एक है कि वो निडर बन चुका है, एक सैमो वो बंदा निडर बन चुका है किसी और की मदद करने के लिए, बस यही तो चाहिए एक हीरो। और एटलीस्ट मूवी देखने के बाद तुम सब भी यही बोलोगे वीर की जय हो, क्योंकि वो फील आ जाती है लास्ट तक। और नो डाउट ये इंडियन सिनेमा की बेस्ट सुपर हीरो फिल्म है मेरे नज़रिए में, क्योंकि इसमें नहीं चाहिए तुम्हें ऐसी पावर्स जो कि अजीब हो, एलियन दे के गया हो या कोई मारने से पेड़ पे लग के मिल गई हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें कुछ अलग ही है, जो सुपर हीरो को सुपर हीरो भी उसकी बीमारी की वजह से बनना आता है, ये सुपर हीरो होते हैं ना जो हैं बीमार बट हैं हीरो, कि मर्द को दर्द नहीं होता, एक मूवी है वो तुम देखना, उसमें उसको बीमारी को उसको दर्द नहीं होता है, ये उसकी बीमारी है और वो लड़ रहा है उसी बीमारी से, लड़ते लड़ते मार रहा है लोगों को, एंड लेवल जा रहा है और ख़त्म कर दूँगा ये वो। भावेश जोशी देख लो यार, वो एक हीरोइक मूवी है, नहीं उसमें हीरो थोड़ी बनाते हैं, बैटमैन नहीं है वो, कैसा होना चाहिए हमारी सोसाइटी में एक हीरो को, वो वैसा फील कराते हैं इसलिए वो हीरो हैं। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया सुपर हीरो मूवी है इंडिया की आज तक, किसी को लगे तो टैकल कर सकता है मेरे को, बट कोई नहीं ये मेरी सोच है, तो तुम अपने ओपिनियंस बना सकते हो, तुम्हें क्रिश बढ़िया लगता हो कोई बात नहीं भाई, बट मुझे ये सबसे बढ़िया लगा। ठीक है, तो हाँ जब मैंने इतना बढ़िया कह दिया था तो मूवी देखने ज़रूर जाना और बताना कि कैसी लगी तुम्हें मूवी, और मैं तब से मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नज़र से दुरुस्त रहना, और दुआएं मांगो मम्मी की भी मेरी, ठीक है, जल्दी ठीक हो, टाटा बाय बाय।